ओके हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस किया था, ठीक है। आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू डू अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी। हमने जो फाइनल अकाउंट सीखा है, दैट अकाउंटिंग वी हैव लर्न फॉर नॉर्मल कंपनीज, जहाँ पे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ता है, और फाइनेंशियल पोजिशन विच इज द बैलेंस शीट। सो टुडे वी विल लर्न टू डू अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आप लोग का पढ़ाई उसी से रिलेटेड है, राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग और बैंकिंग कंपनी का अकाउंटिंग, ये दो अकाउंटिंग के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। जैसे हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट है, राइट। सो कंपनीज एक्ट जो 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है इंडिया में, वहां पे जो इंडियन कंपनीज होती हैं, उनका जो पीएल और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल होता है ना, शेड्यूल 3, वहां पे पूरा आपको पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है। और इंडियन कंपनीज एक्ट जो है, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि दिस एक्ट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बैंकिंग कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और इंश्योरेंस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, दैट मस्ट बी गवर्न्ड बाय सम अदर एक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी का जब अपन अकाउंटिंग करेंगे ना, तो अपने कंपनीज एक्ट नहीं देखेंगे, अपने इंश्योरेंस एक्ट देखेंगे एंड IRDA का रेगुलेशन देखेंगे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वैसे जब बैंकिंग कंपनी का अपन अकाउंटिंग करेंगे, तो अपने RBI का गाइडलाइंस देखेंगे प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मैं इंडिया का बता रहा हूं, राइट। सो अगर इंश्योरेंस कंपनी है, सो इट विल बी इंश्योरेंस एक्ट, IRDA, अगर ये बैंकिंग कंपनी है तो यहां पे आएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI गाइडलाइंस। अदर कंपनीज वी हैव कंपनीज एक्ट 2013। सो दिस इज फॉर विच कंट्री? फॉर इंडिया। तो फॉरेन कंट्रीज में भी कुछ इस प्रकार है। कहने का मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी एंड बैंकिंग कंपनीज आर कंप्लीटली गाइडेड सेपरेटली। जो नॉर्मल कंपनी लॉ होता है ना, वहां पे इससे इसका रिलेटेड प्रोविजंस नहीं रहता है। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें एक तो बनता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा बनता है हमारा बैलेंस शीट। सपोज करो मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी हूं, तो मेरा मराइन का भी बिजनेस है,
मेरा फायर का भी है, हेल्थ का भी है, राइट? तो सबके लिए अलग-अलग रेवेन्यू अकाउंट बनेगा। फॉर ईच टाइप ऑफ बिजनेस आई विल हैव सेपरेट रेवेन्यू अकाउंट। फिर इन सबका प्रॉफिट्स यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और इसमें फिर प्लस माइनस होगा अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस। ये कौन सा वाला अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस है जो अन एलोकेटेड है? ठीक है, तो रेवेन्यू अकाउंट में रेस्पेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, फिर वो सारा प्रॉफिट पीएल में कंबाइन होगा, राइट? व्हाट इज रिटन बिफोर फायर? मराइन इंश्योरेंस। अभी आईआई में रिसेंटली टेस्ट होने लग गया है इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले अपन सीखेंगे रेवेन्यू अकाउंट। ये सबका अलग अलग बनेगा, मराइन का अलग, फायर का अलग, हेल्थ का अलग, सबका अलग अलग। ये सबसे पहले आएगा प्रीमियम अर्न्ड। इंटरेस्ट रेट डिविडेंड, कई बार प्रीमियम का रुपया को हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, वो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। राइट? इसमें क्लेम्स पेड खर्चा माना जाएगा। कमीशन खर्चा माना जाएगा। राइट?
ठीक है। जैसा धंधा वैसा खर्चा होगा ना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, यहाँ पे क्लेम्स पेड ही मेन डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट फ्रॉम मरीन बिजनेस, प्रॉफिट फ्रॉम फायर, प्रॉफिट फ्रॉम हेल्थ केयर, ये सब सारा रेवेन्यू अकाउंट आ गया। इंटरेस्ट रेंट डिविडेंड यहां भी आएगा, लेकिन ये वो पैसा से इन्वेस्टमेंट किया है जो शेयर होल्डर का है, वो वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा था जो प्रीमियम अमाउंट को इन्वेस्ट किया था, ये इन्वेस्टमेंट कौन सा जो शेयर होल्डर या जनरल फंड को इन्वेस्ट किया है। राइट right?
क्लियर। चल मूव अहेड नाउ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीमियम अर्न्ड का। सपोज करो मैंने इंश्योरेंस बिजनेस का काम क्या मालूम है ना, वो लोग रिस्क को अंडरटेक करते हैं, राइट? दे अंडरटेक रिस्क। उनका काम ही यही है, वो लोग रिस्क को अंडरटेक करेगा और बदले में एक प्रीमियम लेगा तुमसे। कल को अगर कुछ भी हादसा होता है, दे विल पुट यू टू द सेम पोजिशन एज यू वर बिफोर सच लॉस और डैमेज। द टर्म इंश्योरेंस का मतलब हमको यही मालूम है। आपके घर में आग लगने का रिस्क, घर का सारा सामान जल के राख हो जाएगा, उसका रिस्क 1 करोड़ का इंश्योरेंस, बदले में आप हमको खाली 50,000 प्रीमियम दीजिए। 50,000 में मैंने तुम्हारा 1 साल का 1 करोड़ का रिस्क अंडरटेक कर लिया, खाली तुमसे ही नहीं किया है, तुम्हारे जैसे हजारों लाखों लोगों का किया है। पूरा प्रोबेबिलिटी पे चलता है गेम। मैंने 1 लाख लोगों का इंश्योरेंस कराया, सभी से मैंने 50,000 करके ले लिया। कितना रुपया होता है? 500 करोड़ का कलेक्शन है। एक लाख लोगों में मुश्किल से 0.1 या 0.2% के घर पे आग लगेगा, मतलब 200 150 150 से 200 लोगों के घर पे आग लगेगा 1 लाख लोगों में। तो 1 करोड़ रुपया करके देना भी पड़ा तो 200 करोड़ देना पड़ेगा, फिर भी 300 करोड़ का प्रॉफिट है। इंश्योरेंस कंपनी इस मॉडल पे काम करती है। तो मैं जब रिस्क अंडरटेक करूंगा, मैं आपसे प्रीमियम कलेक्ट करूंगा, दैट इज इनकम फॉर मी। मेरा धंधा क्या है? रिस्क लेना, तुम्हारा रिस्क अंडरटेक करना, तुमको टेंशन फ्री करना। कल को तुमको नुकसान होगा, मैं तुमको वापस से उसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दूंगा। तो सर अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं, मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, किस चीज का होता है लाइफ इंश्योरेंस? किसी के मर जाने का रिस्क। तो सपोज करो मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया और मैंने सामने वाले से प्रीमियम भी ले लिया, रिस्क अंडरटेक किया, प्रीमियम ले लिया, वो खत्म हो गया। अब वो आंटी भागते भागते मेरे पास आई, बोला ये चल बसे, इनको जिंदा करिए। इंश्योरेंस कंपनी बोलता मैं जिंदा कैसे करूं? बोले नहीं, आपने बोला था आई विल पुट यू टू द सेम कंडीशन एज यू वर बिफोर सर लॉस और डैमेज, तो मेरे पति को जिंदा करिए। इंश्योरेंस शब्द का तो यही मतलब होता है। लाइफ इंश्योरेंस केस में अपने बोलते हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस है, बट वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, वो लाइफ अश्योरेंस होता है।
तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चों का देखरेख मैं करूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ देम, ये उनका वर्डिंग्स होता है। जो गुजर गया उसको जिंदा करने का उनका वर्डिंग्स नहीं है। कोई वस्तु अगर खराब हुई है मैं उसको वापस से रिप्लेस करके दे सकता हूं, कोई इंसान अगर चला गया मैं उसको जिंदा कैसे करूंगा। तो जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस वर्ड ठीक रहता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, लाइफ अश्योरेंस होता है वो। एनीवे मैंने रिस्क अंडरटेक किया, प्रीमियम कलेक्ट किया, मुद्दा यही है सर। तो सपोज करो मैंने एक शिप का इंश्योरेंस लिया है, सो व्हाट आई हैव डन, 500 करोड़ का रिस्क मैंने उठाया है, बाबा 500 करोड़ का रिस्क, प्रीमियम मुझे मिला 2 करोड़। मान लो अगर ये शिप डूब जाए, मान लो अगर ये शिप डूब जाए तो क्या होगा? मान लो अगर ये शिप डूब जाए तो क्या होगा? 500 करोड़ देने पड़ेंगे, कहां से दोगे? 7 जन्म भी कम पड़ जाएगा बाबू। सर आपने तो खाली इसी शिप का इंश्योरेंस नहीं किया, आपने और भी शिप का इंश्योरेंस किया है। चलो तुम्हारे हिसाब से मैंने 50 और शिप का किया है, तो 50 और का किया है तो भी मेरे पास 100 करोड़ रुपया ही आया। पचास और शिप का ही किया है ना मैंने, उसमें से एक शिप डूब गया तो 500 करोड़ कहां से देंगे? इससे लोग क्या करते हैं, जहां रिस्क बड़ा होता है ना, सम पार्ट ऑफ द रिस्क वो लोग ट्रांसफर कर देता है किसी अनदर इंश्योरेंस कंपनी को। इसको अपन बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। ये क्या है? डायरेक्ट, ये मेरे लिए डायरेक्ट बिजनेस हो गया, कस्टमर का धंधा मैं उठाया हूं। इसमें से कुछ पार्ट में दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को सीड कर दिया, सीड सीड। मैंने 40% सीड कर दिया। तो दोस्तों एक बात बताना, मैंने प्रीमियम पे कितना कर दिया? 80 लाख। और रिस्क कितना ट्रांसफर कर दिया? 200 करोड़। तो 300 करोड़ ही मेरा हुआ ना, 200 करोड़ वो रिस्क अंडरटेक कर रहा, 300 मैं कर रहा हूं। कल को अगर शिप डूबेगा तो आपको कितना देना है? आप 200 करोड़ उससे लोगे, 300 अपना दोगे, 500 करोड़। तो थोड़ा कम हुआ रिस्क जा रहा है। सर आपने सीड कर दिया, किसी और का रिस्क आप एक्सेप्ट भी तो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। तो सर मुद्दा बहुत साफ है, प्रीमियम एंड इक्वल्स टू प्रीमियम एंड इक्वल्स टू प्रीमियम कलेक्टेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस
माइनस रीइंश्योरेंस सीडेड प्लस इज इट फाइन एवरी वन? रीइंश्योरेंस सीडेड माइनस होगा, एक्सेप्टेड प्लस होगा, पक्का? अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, स्लाइट इज लेफ्ट। ये हमारा टाइमलाइन है, राइट? मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, सपोज कार इंश्योरेंस का बात करते हैं। तुमने गाड़ी खरीदी 15 जनवरी को, तो तुम इंश्योरेंस कब लोगे? 15 को। तुमने ली 31 जनवरी को, तुम इंश्योरेंस कब लोगे? मैंने ली 15 फरवरी को, मैं इंश्योरेंस कब लूंगा? कहने का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर इंश्योरेंस कंपनी बिकेगा, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये मच्योर कब होगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होगा? अगला साल, ये भी अगला साल, ये भी अगला साल, मतलब यहां से 1 साल। सो कुछ पार्ट अनएक्सपायर्ड रहेगा, ऐसा नियम है क्या कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 1 जनवरी को करवाना पड़ेगा या 1 अप्रैल को करवाना पड़ेगा? कभी भी आप ले सकते हैं। और अक्रूअल बेसिस बोलता है जो इनकम इस साल का है उसी को अपन लेंगे। दिस प्रीमियम विच आई हैव कलेक्टेड इज कवरिंग रिस्क ऑफ दिस ईयर एज वेल एज फ्यू पोर्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर। सारे पॉलिसी में ऐसा ही है ना, सारे पॉलिसी का करना तो पॉसिबल नहीं है, पॉलिसी वाइज करना पॉसिबल है क्या कि 365 दिन में 265 दिन इस साल का है, 100 दिन नेक्स्ट ईयर का है, तो प्रोपोर्शनेट प्रीमियम रिकॉग्नाइज करो, बाकी को प्री रिसीव्ड बोल के दिखाओ। प्री रिसीव्ड को अनएक्सपायर्ड बोलते हैं अपन। अच्छा ये जो आया ना, दिस इज नेट प्रीमियम। तो अपन क्या करते हैं, जो भी हमारा नेट प्रीमियम है ना, इसके साथ क्लोजिंग अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व ये लेस हो जाता है। जैसे इंडिया में 40%, 50%, 100% ऐसे करके डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ इंश्योरेंस ये अपन करते हैं। जो भी हमारा नेट प्रीमियम आएगा उसका 40, 50, 60, 70 जैसा एवरेज बेसिस पे, कि आधा कॉन्ट्रैक्ट इस साल मच्योर हो रहा है, बाकी आधा नेक्स्ट ईयर होगा। प्रीमियम आपको स्टार्टिंग में मिल जा रहा है, अगर हर महीने का प्रीमियम मिल रहा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, जितना महीना इस साल है उतना ही मिला है, उतना ही अपने प्रीमियम इनकम दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे अपने को पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का मिला है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सटेंड्स बियॉन्ड अकाउंटिंग ईयर। मान लो अपन ने यहां पे लिया इंश्योरेंस 15 अगस्त,
तो इस साल तो 4.5 में नहीं हुआ, बाकी का 7.5 में ना अगला साल है, तो प्रीमियम जो आप पूरा कलेक्ट किया उसको तो प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो अपने उतना झमेला में नहीं जाते अपने स्टेट अभी, या तो 50, 60, 70 जैसा परसेंटेज क्वेश्चन में बोलेगा वैसा। तो जो भी अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व है वो लेस हो जाएगा, और पिछले साल वाला ये ऐड हो जाएगा। इज इट फाइन एवरीवन? बोल भाई। बड़े आ गए, राइट? सो प्रीमियम समझ में आ गया। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, 5 मार्क्स। अभी मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं, कभी भी गलती नहीं होगा आपका। ठीक है, डीवी में रिसीव होता है, एक्सेप्टेड में भी रिसीव होता है, इसमें अपने पे करते हैं, इसमें हमारा आएगा नेट रिसीव्ड। गलत बोला है मैंने? बिल्कुल सही है ना दोस्त, क्लेम्स। इसमें पे करेंगे, इसमें पे करेंगे, इसमें रिसीव करेंगे, बट नेट में पेड ही आएगा। ठीक है, नाउ कमीशन। जो बंदा धंधा लाएगा उसको कमीशन देंगे, एक्सेप्टेड में भी देंगे, सीडेड में मिलेगा, तो नेट में पेड आएगा। पेड रिसीव, रिसीव पेड, नेट रिसीव, पेड पेड रिसीव, नेट पेड, पेड पेड रिसीव, नेट पेड। इसमें प्लस माइनस होगा, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व। नेट प्रीमियम आते ही
अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व को प्लस माइनस करेंगे। क्लेम्स में सर्वेयर बहुत लड़ाई होता है मेरा सर्वेयर से। ये वारदात देखने आता है ये आदमी। एक्चुअल में क्या होता है मालूम है? अपन गाड़ी चलाते हैं, रास्ता में कहीं पे स्क्रैच लग गया, तो स्क्रैच के लिए तो इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे नहीं। हम लोग को भी बुद्धि है, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रैच लगा उसके लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी में भेजूंगा, अपना रिसोर्सेज वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, वो स्क्रैच से एडजस्ट कर लेते हैं। मैं तो छोटा छोटा डेंट भी एडजस्ट कर लेता हूं, जब कुछ मेजर कुछ होता है तो मैं भेजता हूं। और मेजर जब कुछ भेजूंगा तो वो कहेंगे ये डेंट आपका पहले का है। हम आपको क्लेम नहीं देंगे। हमने उनको समझाया, हाल ही में 1.5 महीना पहले मेरा लड़ाई हो गया। हमने उनको बोला, हमने सर आप मेरे को 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आपको क्लेम नहीं देना, मत दीजिएगा। मेरा पहला सवाल, क्या पुराने डेंट के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है? क्या पुराने डेंट के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है? बोलो ना। पुराना डेंट था, मैंने नहीं दिया, ये तो मेरी अच्छा ही है। अगर इस देश का हर नागरिक छोटे से छोटे स्क्रैचेस में अगर गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी भेजता रहे, इंश्योरेंस कंपनी सड़क पे आ जाएगी। पहला बात, ये डेंट के कारण एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, हर स्क्रैच में हम भेज नहीं सकते। इंश्योरेंस कंपनी तो डूबेगी, आप 15 दिन तक मेरा गाड़ी जमा कर लेंगे। दिस नॉट लॉजिकल। आप पास करिए पूरा क्लेम। तो इस साइड का तो पूरा दे देता है, उधर का नहीं देता है वो लोग। उधर का जब होगा तब देख लेंगे। हालांकि फोटो खींच के ले जाता है। राइट। तो सर्वेयर फीस होता है, और लीगल फीस होता है, ये भी क्लेम्स पेड के साथ जुड़ता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है?
कर रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
हो गया क्या? इज इट डन? हाँ कुछ नहीं करना है, पहले इसको नेट करना है, इसको नेट करना है और इसको नेट करना है, और क्या करना है? ये प्रीमियम अभी तक मिला नहीं है, इस साल मिलेगा, फर्स्ट जनवरी में प्रीमियम मिला नहीं है तो इस साल मिलेगा ना, तो क्या ये इस साल का है? ये तो पिछले साल का है, तो जो पिछले साल का माइनस और क्लोजिंग एक्रूड ऐड, सेम यहां पर भी, सेम यहां पर भी, रिसीव्ड के केस में एक्रूड वर्ड यूज होता है और पेड के केस में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है। एनीवे जो फर्स्ट जनवरी का ड्यू है वो तो इस साल का है ही नहीं ना, वो तो पिछले साल का है। तो ये जो 1 लाख जो प्रीमियम रिसीव हुआ है इसमें ये 10,000 पहले मिला होगा, तो इसको हटाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट जनवरी मतलब पिछले साल का है, और जो इस साल का उसको ऐड करेंगे। इससे आसान तो हो नहीं सकता था दोस्त, ये सब क्वेश्चन ना सीए से लिया हुआ है, सीए वाले स्टडी मटेरियल से लिया हुआ है। तो अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता तो मैं आपको ये नहीं करवा पाता। रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड ऐड होगा लेकिन अंदर वाला हिसाब करने के बाद, ओवरऑल में ये प्लस होगा और ये पेड वाला माइनस होगा ओवरऑल, बट अंदर में सबका कॉमन ट्रीटमेंट है। जो इस साल का है उसको लेना है, जो इस साल का नहीं है उसको नहीं लेना, तो ओपनिंग वाला पिछले साल का है। पच्चीस माइनस पांच प्लस तीन, सॉरी बीस माइनस पांच पहले 40 माइनस 7 प्लस 4 कितना आ रहा है?
37 अब लेस होगा ओवरऑल, ये नेट सीडेड वाला है ना। कितना रहा भाई? ये आ गया हमारा नेट प्रीमियम। क्लोजिंग यूआरआर फोर्टी परसेंट ऑफ 80,000, 32 लेस होगा ओपनिंग यूआरआर प्लस होगा। बोल भाई। आया मजा? मजा तब आएगा जब एग्जैक्टली सेम सम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मजा तब आएगा जब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आई थिंक इट्स फाइन। रिविजन नोटबुक देना एक बार। IFOA का रिविजन नोटबुक में नहीं होगा क्वेश्चन। लेट अस डू समथिंग फ्रॉम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आई थिंक मेरा हमारा है। किसी का डैशबोर्ड है? कोई अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देगा मेरे को क्या?
आईएआई नवंबर 23। आओ दोस्त, खोल लिया मैंने। आई आई पास पेपर में जाओ, उसमें नवंबर 23 का पेपर डाउनलोड कर लो। गजब। बहुत बढ़िया सिस्टम बनाया हमने, 2 मिनट में पेपर भी डाउनलोड हो गया मेरा। दिस इज इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ CB1, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया है। और यू वोंट बिलीव आवर स्टूडेंट्स हैव डन इट सक्सेसफुली। अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्च 23 का बनाना अपन को। लिखा है ना? हाँ, अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना लिखा बाबा? हम खाली रेवेन्यू अकाउंट बनवाएंगे आपको, बाकी फिर आप लोग अपना कर लीजिएगा। अच्छा, प्रपोज स्टूडेंट का भी काम नहीं है, जनरल रिजर्व का भी काम नहीं है, इनकम टैक्स का भी अभी काम नहीं है। ठीक है, सही बोला ना मैंने? बैलेंस शीट, करंट एसेट, बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी, बोलना भाई। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम का हुआ है कि शेयर होल्डर फंड का हुआ है? कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड मतलब ये पीएल में जाएगा।
ये अदर एक्सपेंसेस हो गया तीनों, ऑडिट फीस, रेंट, ट्रेड टैक्सेस। हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है मेरा, जो हेल्थ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू अकाउंट में आएगा, लेकिन ऑडिट फीस, रेट, टैक्सेस, रेंट्स अनएलोकेटेड मानेंगे इसको। देखो अलग से दिया हुआ भी है, ये आएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन याद रखना ये दो खर्चा इसमें घुसा हुआ है, लीगल फीस, सर्वे फीस और एक्सपेंस रिलेटिंग टू क्लेम। तो ये दो खर्चा गलती से इसमें घुस गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, लेकिन ये किस में आना चाहिए? क्लेम्स पेड में। तो इसको यहां से हटा के क्लेम्स पेड में ऐड करेंगे। देखो लिखा है ना टोटल एक्सपेंस ऑफ द मैनेजमेंट में ये दो इंक्लूड हो गया है, लेकिन लीगल सर्विस और लिखा है क्लेम्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस। तो ये दो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टोटल एक्सपेंस, एड टू क्लेम्स पेड। बोलना भाई, है ना? आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। ऑलरेडी एडजस्टेड विथ प्रीमियम, तो ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, कमीशन डायरेक्ट बिजनेस का, रीइंश्योरेंस एक्सेप्टेड का और सीडेड का, एक दो तीन, तो इससे कमीशन वाला आ जाएगा। ये तीन से क्या आ जाएगा? कमीशन आ जाएगा। ठीक अच्छा, प्रीमियम यहां दिया हुआ है, क्लेम्स यहां दिया हुआ है, सीडेट का प्रीमियम नीचे दिया है, सीडेट का क्लेम्स यहां दिया हुआ है, तो रेस्पेक्टिव क्लेम और उससे माइनस हो जाएगा। प्रीमियम यहां है तो ये सीडेट पेड है, और क्लेम्स पेड यहां है तो ये सीडेट का रिकवरी है। चार्ट याद रखना, प्रीमियम रिसीव्ड है, सीडेड में पेड है, क्लेम्स पेड है, सीडेड में रिसीव्ड है। ठीक है ना भाई, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, शेयर कैपिटल और पीएल। आउटस्टैंडिंग क्लेम नीचे दिया हुआ, देखो क्लेम्स पेड में ऐड होगा और फिर बैलेंस शीट में भी जाएगा। जनरल रिजर्व, इक्विटी, बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट। आया ना?
ओपनिंग यू आर आर, ठीक है ना? ठीक है, तो 23 का बना रहे तो 22 का दिया हुआ ये, और क्लोजिंग वाला ट्रायल बैलेंस में हो भी नहीं सकता क्योंकि जब तक नेट प्रीमियम नहीं आएगा क्लोजिंग वाला आएगा नहीं। ब्रो घड़ी देखकर 5 मिनट, अगर ये नहीं बना पाया बैग पैक करो घर चल जाना अभी। जय भाई, आपको समझ में आ रहा है? नेहा, वेदांशी, मिताली, 5 मिनट्स, यू शुड बी एबल टू डू इट। नीचे खाली नेट प्रीमियम का 40% इज क्लोजिंग यू आर आर। थम्सअप दिखाने से नहीं होगा नेहा, फटाफट करो। एक एक करके पहले प्रीमियम निकालो, क्लेम्स निकालो, कमीशन निकालो, फिर रेवेन्यू अकाउंट बनाओ।
सबका हो गया क्या? ऑनलाइन में ऑनलाइन 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 आई आई नवंबर 23। हालांकि अब आईआई में ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता क्योंकि एमसीक्यू हो गया है, बट फिर भी मेरा फर्ज है पढ़ाना। चार नोट बना लूंगा फटाफट, यहां गंदगी करने से अच्छा है नीचे नोट बना लो। प्रीमियम रिसीव कितना है भाई? 2971 68 लेस री इंश्योरेंस सीडेड बता। 1 2 3 7 7 8 और कुछ नहीं है। ये जो प्रीमियम है इसी में डीबी है प्लस एक्सेप्टेड भी है, ठीक है ना? नेट प्रीमियम बोल 7908 लेस क्लोजिंग यूआरआर 40%। बोल वन वन थ्री नाइन, ठीक है 163 ले लो। एड ओपनिंग यू आर आर बोल भाई 10 लाख। बोलो भैया 2727317 4 4
आंसर मैं खुद ही हूं। बता रहा हूं। बोल भैया, क्लेम्स पेड कितना है? 66 30 लेस क्लेम्स रिकवर्ड। हाँ 23 एड लीगल प्लस सर्वे कितना? 6 1 6 0। पक दोनों को जोड़ के बोल रहे हैं क्या? लीगल सर्विस 3 9 6 0। 39 और एक खर्चा है 22,000 वाला, क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नहीं, प्रेजेंटेशन बोल के एक फर्क चीज होती है ना। और मेरा एक वीडियो भी है बेटा, मतलब वो वीडियो की इतनी तारीफ हुई थी मैं क्या ही बोलूं अब। उस पे मैंने इंश्योरेंस कंपनी का, नॉर्मल कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स को रीड आउट किया था। किसी भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट खोलोगे ना, तो आपको वो लोग ये सब चीज वर्किंग नोट में दिखाता है। वहां नेट फिगर रहती है, अंदर में उसका कैलकुलेशन अलग जगह रहता है। तो क्लेम्स पेड के साथ रिकवर्ड लेस कर दिया सीडेड वाला, और क्लेम रिलेटेड खर्चा को जोड़ दिया। एक आउटस्टैंडिंग क्लेम भी है। आउटस्टैंडिंग प्रीमियम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में था। यहां एडिशनल इंफॉर्मेशन में कितना? हम्म, 815 ठीक है, 815 कमीशन पेड ऑन डीबी कितना है? 329। कमीशन पेड ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड कितना है? 660 लेस कमीशन रिसीव्ड ऑन री इंश्योरेंस सीडेड। बोलो भाई,
हाँ टोटल एक्सपेंसेस कितना है? लेस 39,600, ये 22,000 हम लोग क्लेम स्पीड में इंक्लूड किया है, ऊपर में यहां से लेस करेंगे कितना? फोर वन थ्री एक्सपेंस कितना है? 41 टोटल खर्चा 15 387 प्रॉफिट 20 माइनस 10 कितना? है भाई, किसी को दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? बड़े आ गए,
बोल भाई। कितना है प्रॉफिट फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस? 11593। एड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है ना, 300, 168300। टोटल ठीक है 1327657। कितना आ रहा है 1222। अच्छा इनकम टैक्स 40% है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अभी अपने को कोई मतलब नहीं है, ये बैलेंस शीट का पार्ट है, प्रपोज डिविडेंड भी बैलेंस शीट का पार्ट है, ट्रांसफर जीरो जनरल साहब ये भी बैलेंस शीट का पार्ट है। दीज आर ऑल एप्रोप्रिएशंस, सीधा इनकम टैक्स 40% करना अपन को। कितना आ रहा है 48969। सेवन टू डबल फोर फाइव
बढ़ू आगे, ठीक है? बैलेंस शीट में तुम लोग सॉल्यूशन से कर लेना। मैं खाली एक तो छोटा सा चीज खाली बता देता हूं, इसका पीएल अप्रो वाला पार्ट। पीएल के बाद एक अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। बेसिकली अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में आप व्हेन यू टॉक अबाउट इक्विटी, यू हैव शेयर कैपिटल कितना है? नौ लाख नब्बे। ये देखो, इक्विटी में ये पीएल भी आएगा और ये जनरल रिजर्व भी आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 990। जनरल रिजर्व आपका ऑलरेडी कुछ ना कुछ है, 49,500। और इस साल प्रॉफिट से आप 220 अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। देखिए, है ना?
कितना हुआ? एक है पीएल क्रेडिट, वही वाला। एप्रोप्रिएशन का हम अलग से नोट बना रहे हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? अगर आप गौर से देखेंगे तो 82,500 है। ठीक है, कंपनी में जैसे रिटेन अर्निंग होता है ना, पीएल मींस रिटेन अर्निंग। ये क्या है? दिस इज रिटेन अर्निंग्स, याद है ना? ऑलरेडी रिटेन अर्निंग जो दिया रहता था उससे अपन नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, हाँ या ना? तो इसके साथ ऐड होगा क्या? रिटेन अर्निंग ट्रायल बैलेंस में होता था ना। इक्विटी होता था, अदर रिजर्व होता था, रिटेन अर्निंग होता था, उसके साथ अपन नेट प्रॉफिट ऐड करते थे। ये जो पीएल दिया है ना, पीएल क्रेडिट, ये रिटेन अर्निंग ही है। 7472,4454, 7242,4454। रिटेन अर्निंग हो गया, जोड़ो दोनों को कितना आ रहा है? एट जीरो सिक्स फाइव थ्री कैसे होगा यार? 8,06,954 लेस। एक तो हमारा इस समय एक्स्ट्रा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 220, जो कि हर समय नहीं होता है। तो ये खाली बुक एंट्री है। एक रिजर्व का घर से निकलकर दूसरे रिजर्व के घर में जा रहा है। मतलब ये तो वो बात होगी, 200 का नोट अलग कर दिया, 500 का नोट अलग कर दिया। जनरल रिजर्व मतलब हमने कोई फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए एक प्रॉफिट को सेट असाइड किया है, किसी भी पर्पस में ये यूज हो सकता है। तो ये हमने नया चीज सीखा, अभी तक नहीं सीखा था ये। ठीक है, अब आएगा डिविडेंड प्रपोज्ड। पेमेंट नहीं किया, खाली प्रपोज किया है।
अभी इंडिया में प्रपोज करने का कॉन्सेप्ट हट गया है, जब आप पेमेंट करोगे तभी आप अप्रोप्रिएट कर सकते हो। प्रपोज मतलब मैंने डिविडेंड देने की इच्छा जाहिर की है, गॉट माई पॉइंट? कितना थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ 9,90,000 शेयर कैपिटल का ही होगा ना, इसका 36% कितना होता है बोलो? हाँ 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 ठीक है, अभी हमारे को डिविडेंड टैक्स भी देना पड़ेगा, ये अबॉलिश हो गया इंडिया में। क्योंकि आप डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया है। एक कंपनी इनकम टैक्स दे रही है, फिर कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर को तो डिविडेंड टैक्स दे रही है, और फिर जब शेयर होल्डर को डिविडेंड इनकम मिल रहा है तो डिविडेंड टैक्स वो इनकम टैक्स भी दे रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अभी क्या सिनेरियो है, कंपनी इनकम टैक्स दी, नेट प्रॉफिट आ गया, उसको जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो वहां पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो गया है। अब जब वो डिविडेंड इनकम शेयर होल्डर को मिलेगा वहां टैक्सेबल हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? तो ये तो बेसिकली ट्रिपल टैक्सेशन का बात हो जाएगा। एनीवे जब क्वेश्चन में दिया तो अपन क्या कर सकते हैं, 12%। तो ये जो डिविडेंड दिया ना हमने, इसका 12% होगा। फोर ये सब अप्रोप्रिएट होने का फाइनल रिटर्न अर्निंग का बैलेंस कितना है? वन एट सेवन सेवन एट सिक्स 187786। तो टोटल इक्विटी कितना है दोस्त? 147286। अच्छा, अब लाइबिलिटीज जब कर ही रहे तो पूरा कंप्लीट ही कर लेता हूं। लाइबिलिटीज में किसका किसका लिस्ट बाकी रह गया? एक तो अपना अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्व, क्लोजिंग वाला, राइट? दिस इज प्री रिसीव्ड इनकम, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में,
प्री रिसीव्ड इनकम या इनकम जो अभी तक अर्न नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, इसको अपन अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। कितना है बोलो? 11। हाँ वन वन थ्री नाइन 163, ठीक है, हो गया। अब इसके अलावा लाइबिलिटी क्या क्या, ध्यान से देखना है, एक सेकेंड। ये वाला क्लोजिंग ले लिया, शेयर कैपिटल ये हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ये तो एसेट होगा ना, एक्रूड इनकम है, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रिसीव वाला आउटस्टैंडिंग है तो ये एसेट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर 24,751, ठीक है। और भी लाइबिलिटी है, तीन लाइबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स। तीनों पेमेंट कहां हुआ? अभी तो प्रोविजन बना ना, इसका पेमेंट अगले साल होता है असेसमेंट ईयर में। आप जब भी कमाते हो टैक्स इस पे अगले साल देते हो, ये नियम होता है। तो डिविडेंड आपने एनुअल जनरल मीटिंग में प्रपोज किया, उसको पेमेंट भी आप अगले साल करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड टैक्स पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था दोस्त? 422969, 482969, 482969 हो गया। डिविडेंड है 356400, फोर टू सेवन सिक्स एट। मैंने एक चीज और छोड़ दिया है, कोई बता देगा तो वो टॉप करेगा, मेरे से एक लाइबिलिटी छूट गई है। देखो एडजस्टमेंट वाला दो दो जगह आएगा, आउटस्टैंडिंग क्लेम, वेरी गुड। देखना ये दो जगह आ चुका है, अगर ध्यान से देखोगे ये तुम्हारा टोटल एक्सपेंस लेस हो गया और क्लेम्स में पेड में ऐड हो गया, ये दोनों। आउटस्टैंडिंग वाला क्लेम्स पेड में ऐड हुआ लेकिन लाइबिलिटी में नहीं आया, इनकम टैक्स वाला दो जगह हो गया, प्रॉफिट से लेस हो गया और करंट लायबिलिटी में भी आ गया, डिविडेंड टैक्स का भी वही, जर्नलिज़र भी दो जगह हो गया, क्लोजिंग यूआरआर भी दो जगह हो गया, प्रपोज डिविडेंड भी दो जगह हो गया, खाली ये आउटस्टैंडिंग वाला बाकी था। अब लायबिलिटी साइड का टोटल बताओ, हाँ क्या बोल रही हो, ज्यादा आएगा? इक्विटी को जोड़ के, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी है, थ्री सिक्स जीरो, हाँ थ्री सेवन। एसेट्स खाली छोटा सा है, एक इन्वेस्टमेंट सर, एक आउटस्टैंडिंग प्रीमियम है। थ्री थ्री एट टू फाइव डबल जीरो, थ्री थ्री
हाँ, और आउटस्टैंडिंग है 24,530। और कैश एंड बैंक, देख भाई भगवान करे आ जाए। हाँ तो ये 8 होगा, तुम लोग गलत किया है। 9, 10, तो यहाँ तुम लोग क्यों नहीं, हम तो सब राउंड ऑफ में लिया है, मेरे से कहाँ गलती होगा। कितना आ रहा है ये? ठीक है, कहीं पे राउंडिंग ऑफ का एरर है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।